अनन्या पांडे तो स्ट्रगल क्वीन है ही, और लगातार इन्होंने 2-4-5 फिल्में कर दी विजय देवरकोंडा के साथ, तो भाई इनके भी स्ट्रगल के दिन याद आ जाएंगे क्योंकि फिल्में मिलना हो जाएंगी बंद। और रिसेंटली इन दोनों के एयरपोर्ट पर देखा गया, और भाई वहां पर भी इनकी यही हरकतें थी। देयर वर सम लोग जो बोले कि भाई हमें फोटो चाहिए फोटो चाहिए फोटो चाहिए, और वहां पर ये लोग पूछ रहे हैं आपने लाइक करते कि पसंद आई तो उनके साथ फोटो करा ले रहे हैं। भाई ये कौन से स्टार हो तुम, मूवी लोगों ने देखी तो ही आप फोटो दो। जनरली इंसान को गलती करके समझ आ जाता है, लेकिन कुछ ढीठ लोग ऐसे होते हैं वो बार बार गलतियां करते हैं, समझ में कुछ भी नहीं आता। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ लाइगर की कास्ट की। सबसे पहले तो भाई तुमने इतना तगड़ा प्रमोशन कर दिया, मानो क्या ही महाभारत बना दी। लेकिन जैसे मूवी रिलीज हुई जनता ने असलियत समझा दी कि चलो ये देखो ये आगा है तुमने जो हमें समेटने की कह रहे हो। पब्लिक ने सबसे पहले तो फिल्म देखने से ही मना कर दिया कि क्या 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 क्या, क्योंकि एटीट्यूड खराब था भाई साहब। अप्रोच करने का भी एक तरीका होता है, मानना आप आते हैं साउथ इंडिया से, आप तेलुगु स्टार हैं, बट भाई पब्लिक किसी को सर पे बैठाती है तो एक ही रीजन है, वो उनसे प्यार करते और वापस भी उनको प्यार मिले। अब साला तुम बदले में दे दो धुतकार तो प्यार तुम्हें कहां से मिलेगा। एंड अनन्या पांडे तो स्ट्रगल क्वीन है ही, और लगातार इन्होंने 2-4-5 फिल्में कर दी विजय देवरकोंडा के साथ, तो भाई इनके भी स्ट्रगल के दिन याद आ जाएंगे क्योंकि फिल्में मिलना हो जाएंगी बंद। और रिसेंटली इन दोनों के एयरपोर्ट पर देखा गया, और भाई वहां पर भी इनकी यही हरकतें थी। देयर वर सम लोग जो बोले कि भाई हमें फोटो चाहिए फोटो चाहिए फोटो चाहिए, और वहां पर ये लोग पूछ रहे हैं आपने लाइक करते कि पसंद आई तो उनके साथ फोटो करा ले रहे हैं। भाई ये कौन से स्टार हो तुम, मूवी लोगों ने देखी तो ही आप फोटो दोगे। सबसे पहले तो उन लोगों से बात करना चाहूंगा पर्सनली, तुम इनकी फोटो ले रहे हो बहुत बढ़िया, चलो मान लिया भाई अपनी सोशल मीडिया चलाना चाहते हो, लेकिन जब ये आपसे पूछ ही ले रहे हैं कि भाई हमारी मूवी देखी होगी तो फोटो देंगे नहीं तो हम फोटो नहीं देंगे, तो भाई क्या 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 कर रहे हो तुम, किन लोगों की फोटो ले रहे हो, सेलिब्रिटी नहीं मैं मानता यार ऐसा को। लेकिन मेरे दिल में बहुत ज्यादा जगह थी विजय देवरकोंडा साहब की, और मैंने काफी सारी ना इंटरव्यूज देखे तो मैंने यकीन भी नहीं किया कि यार ये आदमी तो ऐसा नहीं बोल सकता, लेकिन जब रियलिटी सामने आई एंड रियलिटी हिट्स हार्ड ब्रो, और उसके बाद कुछ ऐसी ये मूवमेंट कि हमारी मूवी देखी हाँ लो लो फोटो लो, मूवी नहीं देखी तो हाँ मूवी तो नहीं देखी फोटो कौन लोगे, तो भाई सबसे पहले जो मैं बता दूं साला संगत का सारा सारा असर पड़ता है। देवरकोंडा भाई हीरा आदमी था, मतलब कि मैंने इतना तेलुगु में इंटरव्यूज देखे नहीं इनका समझ नहीं, बट बॉडी लैंग्वेज समझ में आती हीरा आदमी, और भाई हीरे को ना घस घस के काला कर दे धर्मा प्रोडक्शन ने। आई डोंट नो ये पहले से ही ऐसे थे या इन लोगों के साथ होके रह गए, ये वाली पर्सनैलिटी लोगों को पसंद नहीं आ रही। और वो जो हर बात पे बोलते हैं ना रावड़ी फॉरएवर, तो भाई फॉरएवर वर्कलेस हो जाओगे आप जिस तरीके की हरकतें हैं। बगैर आप मुझे कमेंट करके बताओ कि बदलाव अंदाज आपको कितना पसंद आ रहा है। ऐसा साला WWE हुआ करता था, चैंपियनशिप से पहले अच्छे चैंपियनशिप के बाद खराब, वैसा सा कर दिया इस आदमी ने अपना जीवन। जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको नया रूप पसंद आया कि नहीं आया विजय देवरकोंडा का, जल्दी से। और अगर आप अनन्या पांडे के फॉलोअर हैं तो सब्सक्राइब मत करना चैनल, बाय।